हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लॉजिक गेट्स। देखो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अ गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। मतलब जो गेट है ये एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि फॉलो करता है कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप्स किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस के बीच में। ठीक, फाइव टाइप्स के गेट्स हैं हमारे पास। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ गेट्स। कौन कौन से हैं? ओर गेट, नोर गेट, एंड गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट। समझ रहे हो बात? कौन कौन से गेट हो गए हैं फाइव हमारे पास? ओर गेट, नोर गेट, एंड गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट। ये फिफ्थ कौन सा है? नॉट गेट है। क्लियर। अब देखो वन बाय वन इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले है हमारे पास ओर गेट। देखो ओर गेट का जो सिंबल है वो ये है आपके पास। ठीक है, ये कैसे बनाया? देखो मैंने इस तरीके से ये ऐसे किया, ऐसे और ये ऐसे। समझ रहे हो? ये एक इसकी आउटपुट है और दो इसकी इनपुट है। ठीक है, ये ए और बी इस तरीके से ये बनाया हुआ है हमने। क्लियर। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो है इसका वो क्या होगा? ओर गेट है तो ओर गेट में आपको ध्यान में रखना है एडिशन का केस होता है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं ट्रुथ टेबल से। देखो देखो इसमें जो है सारा का सारा बाइनरी डाटा ही चलता है। ठीक है, जीरो या वन की फॉर्म में ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो वन हम किस किस तरीके से दे सकते हैं वो हमें कैसे पता चलता है? देखो ये हम अगर दो इनपुट है तो फोर वेज में ये ए और बी हम चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल बनाया हुआ मैंने, ए बी वाई, ये दो इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है। अब मुझे ये पता है फोर वेज में दे सकते हैं कैसे? देखो हमें अगर पता है कि इनपुट कितनी है, इनपुट इसकी दो है तो टू की पावर टू। समझ रहे हो? इनपुट अगर थ्री है, थ्री वाला केस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर थ्री इनपुट है तो मतलब एट वेज में चलेगा काम, और अगर टू इनपुट है तो टू की पावर टू मतलब फोर वे में यहाँ पर आपके पास अप्लाई होगी इनपुट ये। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हम इसमें दे सकते हैं ए में भी जीरो और बी में भी जीरो। दूसरा केस बन सकता है कि बी में वन दे दो आप और यहाँ पर जीरो दे दो। और तीसरा केस हो सकता है ए पे वन दे दो और बी पे जीरो दे दो। या फोर्थ केस हो सकता है वन यहाँ पर और यहाँ पर भी वन। बस इससे ज़्यादा आप केस चला ही नहीं सकते इसके अंदर, चाहे आप करके देख लेना, बस यही चार केस बनते हैं। तो आपको बता दिया मैंने तरीका क्या है कि कितने वेज हो सकते हैं, उसको आपने देखना कि इनपुट कितने। दो इनपुट हैं तो टू की पावर में इनपुट लगा दो, वो टू की पावर टू हो गया तो ये फोर वेज में चलेगा आपके पास। ठीक है, अब देखो मैंने बोला आपको एडिशन होता है ये। ठीक है, ए प्लस बी, तो देखो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन वन टू होता है, लेकिन बाइनरी डाटा है चाहे वन वन टू होता है लेकिन आपको लिखना क्या है? वन ही लिखना। मतलब क्या है? ये ऑन स्टेट है। वन वन मतलब क्या है? ये ऑन स्टेट है, चाहे वो टू आ रहा है लेकिन ये आपको लिखना क्या है? वन ही लिखना है। यही आपको समझनी है यहाँ पर कहानी। ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ मतलब क्या है आपके पास? आउटपुट में जीरो मिल रहा है मतलब ये ऑफ, जीरो वन मतलब ऑन, वन जीरो वन मतलब ऑन और वन वन मतलब वन, तो ये ऑन। समझ रहे हो बात को किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहे हैं? समझ में आई कहानी? ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास नोर गेट। नोर गेट भी देखो बिल्कुल सेम यही बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखो मैंने एक होल सा बना दिया। समझ रहे हो? तो ये हो गई हमारे पास नोर की पहचान, और ये है, और अगर और में ये यहाँ पर होल सा लगा दो तो ये कौन सा गेट बन जाता है? नोर गेट बन जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या है कि होगा तो एडिशन ही, लेकिन ऊपर बार होगा। बार का मतलब क्या है? जो भी एडिशन करके आएगा उस वैल्यू को क्या कर दो? उसके अपोजिट कर दो। मतलब अगर आउटपुट में जीरो आ रहा है तो वन कर दो, वन आ रहा है तो जीरो कर दो। ये मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि ये नोर गेट है। अब ये चीज़ समझने से पहले सबसे पहले आप नॉट गेट को समझो। देखो यहाँ पर ये जो फिफ्थ गेट है, नॉट गेट है, इसको समझो। देखो नॉट गेट के अंदर क्या है? ये आपके पास इसका सिंबल बना हुआ है। ठीक है, और ये इसमें एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। एक इनपुट है तो कितने वेज में जा सकते हैं? देखो टू की पावर में क्या लगाएंगे हम? वन, तो कितना? टू वेज में इसमें हम दे सकते हैं। तो देखो क्या होता है डाटा हमारे पास, जीरो या वन, तो ए पे या तो जीरो दे सकते हैं या फिर हम वन दे सकते हैं। अब देखो इसका जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो क्या है? आउटपुट में इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ए बार। ए मतलब बार का मतलब क्या है? अगर ए जीरो दिया आपने तो आंसर क्या होगा? वन होगा। और अगर ए वन दिया है तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो जैसे ए जीरो दी हमने, ठीक है, तो जीरो दी लेकिन बार है तो मतलब आउटपुट में वन आएगा। ए हमने वन दिया, अगर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रुथ टेबल में वन दिया है तो यहाँ अगर वन आएगा तो ऊपर बार लगा हुआ है तो ये जीरो। मतलब वैल्यूज चेंज हो जाती हैं बार अगर लगेगा। ठीक है, जीरो है तो वन हो जाता है, वन है तो जीरो हो जाता है। अब ये चीज़ समझ में आई आपको? नॉट गेट क्या कर रहा है? सिंपली वैल्यू को चेंज कर देता है। जीरो है तो वन कर देता है, वन है तो जीरो कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, ऑपरेशन आपको पता चली गया, वाई इक्वल टू में ए के ऊपर बार है इसका। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर समझो। देखो जैसे ये नोर गेट है, इसमें हमने किया क्या है? ओर गेट ही लगाया। देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये ओर गेट ही लगाया हुआ है और ये दो इनपुट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया? एक नॉट गेट लगा दिया इसके साथ, इस तरीके से। ठीक है, ओर गेट के साथ नॉट गेट जब हम लगा देते हैं तो वो बन जाता है नोर गेट। समझ पा रहे हो ये बात? अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो ना, देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगी, ये ए और बी है तो यहाँ ये कुछ आउटपुट आएगी जो कि ये वाली ओर गेट वाली ही होगी। अब ये वैल्यू जब हम इस नॉट गेट में देंगे तो ऑब्वियस बात ये वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। अगर यहाँ जीरो आ रहा है तो यहाँ वन आएगा, वन है तो यहाँ जीरो, वन है तो जीरो, वन है तो जीरो।
इतनी बात समझ में आई है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर a प्लस बी आएगा, ये देखो a प्लस बी आएगा, ये हमारे पास जो आउटपुट आएगी ये वाली, ठीक है। लेकिन नॉट गेट है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आउटपुट में a प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात को? देखो कैसे, देखो जीरो जीरो और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है तो जीरो ही आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, नॉट गेट भी लग गया है तो ये आउटपुट क्या देगा, वन देगा। और ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर ये सिंबल जो है, ये जो हमने होल सा बनाया है, ये किसके लिए सिंबल बनाया है, इस नॉट गेट को ही हमने क्या किया यहाँ पर शो किया है, तो ये हो गया नॉर गेट। अगर पूरा हम देखें तो ये ऐसा होता है, लेकिन इसको सिंबल हमने ये वाला दिया है नॉर गेट को। कितनी बात समझ में आई, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये नॉट गेट भी लगा हुआ है, ओर का सिंबल, और ये जो होल बना हुआ है इसका मतलब क्या है, ये नॉट गेट भी है, तो ये पूरा क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। अब देखो जीरो और वन, वन ही होता है लेकिन ऊपर बार है, मतलब नॉट गेट लगा हुआ है इसलिए बार लगा है, तो जीरो और वन वन होता है लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, जीरो आएगा। यहां से भी आप देख सकते हो जो ओर की आउटपुट होगी वो सिर्फ यहां पलट दो, देखो जैसे वन जीरो ऐड किया था तो वन आया था, लेकिन आगे यहाँ नॉर गेट में नॉट भी लगा हुआ है, इस वजह से फिर क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी, तो ये जीरो आ जाएगी, ये वन है तो यहाँ पर भी ये जीरो आ जाएगी। समझ पा रहे हो, वन और वन वन ही होता है और गेट के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पर तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो सिंपल सी ये याद रखनी है, जो और के आएंगे आपके पास आंसर उनको आप पलट दो, बस जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो, ये नॉर के आंसर हो जाएंगे आपके पास, नॉर की आउटपुट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आई है कहानी? तो ये कहानी को आपसे समझना है कि नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिफ्थ भी मैंने पहले ही समझा दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नॉट गेट क्या है। अब देखो एंड गेट को समझते हैं, देखो एंड गेट अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नैंड गेट भी। देखो कैसे, एंड गेट का जो सिंबल होता है वो देखो इस तरीके से डी टाइप से हम बना देंगे, इसकी भी दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, ये देखो इस तरीके से ये बनाते हैं हम, ऐसे यहाँ पर ऐसे करेंगे और ये डी सा बना देंगे, ये एक इसकी आउटपुट और दो इसकी इनपुट, इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, एंड का यहाँ पर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, और दो इनपुट है तो आपको पता है फोर वेज में हम इसको दे सकते हैं, वही ट्रुथ टेबल में देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो लॉजिकल ऑपरेशन में हमें पता है क्या है, मल्टीप्लीकेशन होनी है, तो देखो 0 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 1 0 होता है, 1 मल्टीप्लाई 0 0 होता है, समझ में आती है ना ये बातें? तो और 1 × 1 करेंगे तब क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये आपके पास आउटपुट आ गई इसकी, एंड गेट की, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ऐसे ही नैंड गेट, अब नैंड गेट भी वही चीज़ हो गई है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमने एंड बनाया, ठीक है, और जो एंड की आउटपुट आई वो हमने किस में दे दी, नॉट गेट में दे दी। तो मतलब क्या है, अब कि जो एंड के आंसर आए हैं इनको सबको पलट दो, वो किसके हो जाएंगे, नैंड के आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये जो होल सा बनाया है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है, एंड के आगे नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो एंड के आंसर होंगे वही यहाँ पर आपने क्या कर देने हैं, पलट के लिख देना, क्योंकि एंड के ही जो आउटपुट आई है वो किसकी इनपुट बनी है, यहाँ नॉट की इनपुट बनी है, तो आउटपुट वो पलट के ही देगा। समझ पा रहे हो, ये मैंने आपको यहाँ समझाया ये नॉट गेट ये वाला, क्लियर है, क्योंकि आपको इसमें पता है ना, ये देखो जीरो देंगे तो वन देता है आउटपुट, वन देंगे तो जीरो आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जरा ऑपरेशन वही है, देखो अगर लॉजिकल ऑपरेशन देखें तो ए डॉट बी है, ऊपर बार लगा दिया मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, जीरो आएगा अगर मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू चेंज करके वन लिखना है, ठीक है। अब देखो 0 × 0 0 होता है मल्टीप्लाई करके, लेकिन नॉट गेट की वजह से आंसर क्या आएगा, वन आएगा, 0 × 1 0 ही होता है लेकिन नॉट गेट की वजह से क्या होगा आंसर, 1 होगा, 1 × 0 0 ही होता है लेकिन नॉट गेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी बार लगा हुआ है, ऐसे भी आपने समझना है 1 × 0 0 और बार लगा हुआ है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, 1 × 1 1 होता है लेकिन यहाँ पर बार लगा हुआ है तो ये 0 आएगा, मतलब नॉट गेट की वजह से ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखो देख सकते हो जो भी एंड के आंसर आए थे उनको ही हमने यहाँ पलट के लिख दिया ना, 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, आई बात समझ में? तो ये थे हमारे पास लॉजिक गेट्स, और ये नॉट गेट भी आपने करना है ध्यान से, क्योंकि ये मैं आपको बता ही चुका हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये सिंबल हो गया इसका, ठीक है। ये कैसे बनाया, देखो सिंबल इस तरीके से, ये सिंबल, एक ही इनपुट होती है इसकी, एक ही आउटपुट होती है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होगा, सिंपली बार आ जाएगा ए के ऊपर और ट्रूथ टेबल ये रहा इसका, ठीक है, कर लोगे ये। तो ये लॉजिक गेट्स जो है अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो तभी आप कर पाओगे जब ये आपको लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल पता होंगे, इनके लॉजिकल ऑपरेशन पता होंगे और सिंबल पता होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स करें, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।